परंतु निर्जरा तब कर पाओगे जब जब आप उन विषयों को अष्टमी च अष्टकर्माणि, अष्टमी के दिन उपवास करते तो ये जानना आवश्यक है। ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयो नाम गोत्र अंतर ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। हे भगवान, हम द्रव्य कर्मों के क्षय करने के लिए करते हैं। आप 35 उपवास करते किस लिए करते? तो जरूर है, करते बहुत हैं, उसके लिए हम लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। बहुत करते तो बहुत है, धर्म के प्रति श्रद्धा है, पर वो क्या है ना, आप इन क्रियाओं को करते हैं अंध प्रवृत्ति से करते हैं, वो जाने बिना करते हैं। वो सब कुछ नहीं होता है, तूने जीवन भर थोड़ी चोरी की है, लास्ट में जाकर के आनंद कानंद कुछ नहीं जाना बोलेंगे। तो दिन आप ये आए हैं, मंदिर आते हैं, पूजा के लिए आते हैं, सब कुछ होता है, तो इसलिए कहते हैं अष्टमी च अष्टकर्माणि। ये 8 द्रव्य कर्म है, ये भगवान आपने भी 8 द्रव्य कर्मों से विनिर्मुक्त, विशेष रूप से आप मुक्त हो गए, तो बस हमें वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दुख का खाओ, कम खाओ, वही लाओ, सुगय वर्णन समाज मरण, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यदि मेरे पास परिग्रह है तो उसके ऊपर मेरे कोई भी आसक्ति है, मूर्छा परिग्रह, आसक्ति करके उस चीज को कोई उठा करके ले जाने लगे कि नहीं रोक सको, ये मान ले अपने पास रखा हो पढ़ने के लिए, मैं कहता इसके प्रति मूर्छा। जिसके पास चाहे काम कुमार नंदी हो, चाहे विद्यासागर, चाहे कोई भी महाराज, यदि कोई चीज उनके पास है तो उसके प्रति तो मूर्छा है, मोह है, राग है, तो इसलिए लास्ट में छुड़ाया जाता है, तुम छोड़ दो, ये तेरे नहीं है, ये तेरे नहीं। यहाँ तक भी जो आचार्य उपाध्याय पद भी मिले उनको भी छुड़ाया। ये सब नॉलेज होना जरूरी है, बिना नॉलेज जितनी भी क्रियाएं हैं तो वो सबको क्या कहा है, उल्टे घड़े के ऊपर पानी डालने के समान कहा है, पत्थर के ऊपर बीज बोने के समान कहा है। कोई कार्यकारी नहीं है, वो फल देने वाले भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, कुछ नहीं होंगे। अतः इसी प्रकार यहाँ पर आप अष्टमी के दिन 8 कर्मों के क्षय करने हेतु के लिए आप क्या करते हैं, उपवास, तब उपवास उपवास कहलाते हैं। अष्टमी च अष्टकर्माणि सिद्धि लाभो चतुर्दशी, सिद्धत्व चतुर्दशी 14वें गुणस्थान स्पर्श किए या 14 गुणस्थान में पहुंचे वह व्यक्ति लौट करके नहीं आ सकता, उनका जाने का मार्ग, वापस लौटने का मार्ग नहीं। इसलिए हे भगवान, संसार के अंतिम क्षण है, संसार खत्म हो 13वें गुणस्थान में किंचित नो शरीर, वहां पर भी सब शरीर जहां तक है वहां तक संसार है, तो वहां पर भी वो 14वें गुणस्थान को प्राप्त करने के लिए 14 के दिन उपवास कर, इतना तो समझ लो आप, क्या है 14वें गुणस्थान को प्राप्त करने के लिए 14 के दिन क्या करते हैं, उपवास करते हैं। और पंचमी च ज्ञान लाभाय मति श्रुत अवधि मन प्रय केवलानि ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रय ज्ञान और केवल, 5 ज्ञान है, इनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है, इन्फिनेट नॉलेज, ओनली नॉलेज, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान क्या है, ओनली नॉलेज, क्या बताए, केवल ज्ञान माने ओनली नॉलेज, उसमें नॉलेज के अलावा उसके ऊपर ना मति ज्ञान आवरण है, श्रुत ज्ञान आवरण है, ये सब कोई भी आवरण नहीं। जिसके आवरण पूर्ण रूप से हट चुका है वो क्या ना, हमारे तुम्हारे ज्ञान कैसे, जैसे आपने कल क्या परसों पंडित जी और ऊपर बैठे थे, देखा चंद्रमा, देखा थोड़ी सी दिख रहा है और फिर पर थोड़ी सी दिखने लगा, फिर थोड़ी सी दिखने लगा, और एक बार वो बादल से बाहर आ गया तो पूरा दिखने लगा पूर्णिमा के दिन वो सुन, और ये उनके ऊपर
आवरण था चंद्रमा के ऊपर आवरण था, इसीलिए कहते अनावरण ज्ञान चाहिए। कौन से? उसके ऊपर कोई भी आवरण न हो, उसको इनफिनिट नॉलेज कहते हैं, ओनली नॉलेज कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा है तस्मात् तृतीयम आचरेत। तृतीयम आचरेत माने पहले अष्टमी का, चतुर्दशी का बताए, पंचमी का बताए, तो कहते हैं इन तीनों में श्रेष्ठ क्या है? तीसरा है, इसलिए तृतीयम आचरेत। तीसरा का आचरण करो माने अपने अनुभव में लाओ, अर्थात क्या है, पंचमी के दिन आप उपवास करते हैं तो ये समझ करके करना कि हमको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेज्ञान इसमें से तो है कितने भाव में घूमे हैं और अब क्या चाहिए। केवल केवल हम केवल ज्ञान के लिए, चौदहवें गुणस्थान के लिए और आठ कर्मों को विनष्ट करने के लिए क्रम से क्या करते हैं, हम उपवास करते हैं। ऐसे यदि विचार करके समझ करके करोगे तो आपके लिए कर्म निर्जरा के लिए कारण बनेंगे व्रत और नियम, नहीं तो ऐसा ही करे तो आया राम करे सब करे। देखिए ये तो उसका मर्यादा पता नहीं, जैसे आटा है, आटे का मर्यादा कैसे तीन पांच सात। अच्छा इसका प्रासुक कैसा करोगे? नथिंग में साइंस इसका बिल्कुल फॉलो नहीं करता साइंस, आटा को गर्म नहीं किया जाता, आटा की मर्यादा समय से, दो दिन वो वातावरण बताए, दो दिन तीन दिन, हाँ जब बारिश के दिनों में। यहाँ पर बीकेजन ये देखा गया कि किसी भी चीज को रोको आप दूसरे दिन वो खराब ही हो जाता है, आटा भी खराब होता है। समुद्र नहीं, यहाँ मैक्चर ज्यादा समझे, जिसके कारण से खराब हो जाता है। इनको भी जान करके करना है, ऐसा नहीं कि आप बोलते हैं ना मन शुद्धि वचन शुद्धि, तो स्वामी जी काय को देखने जाओगे आप, क्या कहाँ बनाए कैसे पानी लाए, मन शुद्धि भी बोला वचन शुद्धि भी बोला और काय का हाँ काय का सुधा नहीं, ये बॉम्बे है महाराज जी हाँ समझे। आपको ऐसा व्रत नियमों को बहुत शुद्धि पूर्वक पालन करना है तो गांव में रहो, कहाँ रहो, गांव में रहो, पहाड़ियों के तलहटी पर रहो, जंगल में रहो और ऐसी जगह में रहोगे तो अभी कुंदकुंद आचार्य जी जब लिखे ग्रंथों को तब ऐसे वातावरण में नहीं था, तब उन्होंने कहा था कि मंदिर और कहाँ रहो, धर्मशालाओं में रहो। अब मेरे शत्रु भी क्यों आज जंगल में रहने का प्रयास न करो, साधु संत कहाँ रहो, हाँ पंचम काल है तो इसीलिए वहाँ चर्या आपको कोई, यहाँ आने के बाद में जब तक नहीं बुलाते तब तक चौका लगाने के लिए नहीं आते, बुलाने के पर मस्कत करने के बाद सारे कमिटी वाले तब भी नहीं आते, फिर भी एक दो भाइयों को रखना पड़ता है चौके। अब जंगल में बैठूंगा तो जाकर के आहार देंगे क्या, वहाँ कोई चर्या होगा पालन होगा, परंतु जंगल में बैठना चाहोगे तो यम संलेखन लेकर के बैठना, क्या है नियम संलेखन का मान नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के है जो आपको जानते हैं आप, मन क्या है, सुवचन क्या है, काय क्या है और चार शुद्धि कौन से, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, चौका कहते हैं, ये चार शुद्धियां नहीं हो आपको नॉलेज नहीं तो कैसे आप उसको करोगे बताओ। रूढ़ीवादी बन गए, रूढ़ी में चला आ रहा है, पानी वहां भर करके रखेंगे और उसके पश्चात वो पैर, अरे मंदिर में है, पवित्र जगह में है, आप मंदिर में घूम रहे, पहला सारे स्नान करके फिर भी पानी आप डाल, तो पानी वहां डाल करके आए पैर धो करके, पैर इसलिए धोया जाता है पहले एक लाइन में सारी चौका लगती थी बाहर और कहीं अशुद्धि पर हमारे पैर ना पड़े तो इसलिए आकर के पैर धोते थे। अब मंदिर में इतने बढ़िया फर्श लगा है सब, आप पैर धोगे गए एकाध को तो हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा, तुम धो करके तो आ तो गए अंदर। एक अभी सवेरे वो एक महिला है वहाँ और दो मिनट में वो केवल एक सेकंड में वो बच गई होंगी, नहीं तो उसका हड्डी पैर सारे मंदिर के अंदर फूट जाते थे। तो उसने जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना, लोग कांजी का शास्त्र पढ़ते, वो क्या है, वो महिला ने उसको पकड़ लिया
पकड़ने के वो बच गए। तो कहने का तात्पर्य हर चीज को द्रव्य क्षेत्र काल भाव हम शुद्धि क्यों बोल रहे हैं, हमने हाथ क्यों धोते हैं और मंदिर बहुत सारे चीजें मैं कहाँ तक आपको बताऊँ। ये एवरीथिंग मंदिर के अंदर क्यों आते हैं, मंदिर के आने के बाद घंटी क्यों बजाते हैं, परिक्रमा क्यों आते हैं। तो आपने भी पढ़े होंगे निस्संग हम जनानं सदनम अनुपरितेज व्यक्ते अस्तित्वागत्वा निसत्यो चरण तो सने हस्ते इग्नम वाले संस्था को विद्य मम दुर्तरे कीर्ते शक्रव निंदा दूर सदाप्तम ज्ञान भानम जितेंद्र। यदि रक्त रक्त हो चुके वो वगैरह तो ऐसा यदि करते, देखिए मैं भी जब भी दर्शन करता हूँ कैसे करता हूँ, तो घंटी बजाते हैं तो क्यों घंटी बजाते हैं, इसके पीछे ये समझ करके व्रत नियम तप करने के लिए बता रहा हूँ मैं। बिना समझे तो वो आश्रव ही है, अब समझ करके यदि कर रहे हैं वो समर भी है और निर्जरा भी। घंटी आपने बजाया, एक व्यक्ति प्रतिनिधि मंदिर आया करता था परंतु तो आलसी आदमी नहीं आ पाया, रात्रि नींद नहीं आई थी, सवेरे सो रहे थे बड़े जैसे तो घंटी की आवाज उनके कान में यदि पड़ जाए तो वो सो मैं भी मंदिर जाता था आज कुछ देर जल्दी से उठ करके स्नान इत्यादि करके वो मंदिर आएगा। एक व्यक्ति तुम्हारे घंटी की आवाज एक व्यक्ति को मंदिर में लाया। कोई भी ऐसे पशु पक्षी है वो पूर्व उम्र में आप जैसा पूजा पाठ किया करता था पक्षी पशु, परंतु अंतिम समय में वो मायाचारी करने से कहां उत्पन्न हुआ, माया तिरेंच हुआ। अब उसके कान में यदि घंटी के आवाज पड़ जाए तो उसको हो सकता है कि जाति स्मरण हो सकता है, जैसे उस मेंढक को हुआ था, राजा श्रेणी के आगे आगे चल रहा था जाति स्मरण के